नमस्कार, देख रहे हैं जम्मू तभी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ ऋचा चल्ला। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कई बहुत सारे प्रोजेक्ट जम्मू में बनाए गए ताकि जम्मू में आकर्षण का केंद्र रहे, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट ऐसे हैं जो जम्मू में आते हैं। श्री माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, श्री अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुँचते हैं। उन्हीं को देखते हुए एक बैम्बू हट का प्रोजेक्ट भी यहाँ पर तैयार किया गया पिछले साल, लेकिन किसी कारणवश उसे शुरू नहीं किया गया। और जब ये शुरू हुआ तो ये माना गया कि एक यूनिक सा कंसेप्ट था, बैम्बू यानी कि बांस से बनाया हुआ ये बैम्बू हट्स बनाए गए थे जम्मू में। और तब काफ़ी ज़्यादा इसकी चर्चा भी हुई थी और ये कहा गया कि श्री अमरनाथ यात्रा से पहले पहले इसे शुरू कर दिया जाएगा और इस बैम्बू हट्स में जो है यहाँ पे अलग अलग फूड स्टॉल्स लगाए जाएंगे ताकि लोगों को रोज़गार भी मिले और जो यात्री यहाँ पर पहुँचते हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और साथ ही जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए मुख्य खूबसूरत तरीके का आकर्षण का केंद्र भी बने। और उम्मीद थी लेकिन फिलहाल ऐसा हुआ नहीं, श्री अमरनाथ यात्रा भी खत्म हो गई लेकिन इस बैम्बू हट्स प्रोजेक्ट को शुरू नहीं किया गया। लेकिन अब जबकि श्री अमरनाथ यात्रा दोबारा से 29 जून को शुरू होने वाली है, ऐसे में अब दोबारा से इसे दोबारा से तैयार किया गया है, क्योंकि बीच में जब इसे शुरू नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से खस्ता हाल हो चुके थे, इसमें कई आपत्तिजनक काम हो रहे थे, जिसके बाद इस पर संज्ञान लिया गया। इस पर खूब खबरें भी सोशल मीडिया पर चली और उसी को देखते हुए इसको अब दोबारा से बनाया गया है और अब इस पर इस जो है टेंडर्स होंगे, यानी कि इसको लेकर अब जो लोग प्रक्रिया पूरी करेंगे उसको ये अलॉट किया जाएगा और इसमें अलग अलग फूड स्टॉल्स होंगे। और उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल जो कि श्री अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होनी है उससे पहले पहले से शुरू कर दिया जाएगा ताकि ये शहर के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र भी बने और लोगों को रोज़गार भी मिले और साथ ही साथ जो यात्री यहाँ पर आते हैं उन्हें खाने पीने की और अलग अलग व्यंजनों की सुविधा भी मिले। बस देखना होगा कि क्या इस साल भी इसे शुरू किया जाता है या फिर नहीं। कैमरामैन नवीन सूदन के साथ ऋचा चन्ना, जम्मू तभी न्यूज़।